सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर साइंस लवर। सो गाइस यहां पर आप लोग चारों तरफ देख सकते हो, यहां पर हमारा लैंटर डलने वाला है और यहां पर देखिए चारों तरफ जाल बिछा हुआ है और इस जाल के अंदर लाइट फिटिंग हो चुकी है। सो गाइस चलिए आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए बताते हैं कि लैंटर में लाइट फिटिंग कैसे करते हैं। सो गाइस चलिए यहाँ पर हम आप लोगों के लिए पूरा का पूरा सिस्टम विस्तार से समझा देते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप लोग सबसे पहले देख सकते हो, यहाँ पर चार कमरे और एक किचन का लैंटर होना है जिसमें चार कमरे और एक किचन की लाइट फिटिंग है। सो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जैसा कि हम बता चुके हैं कि यहाँ पर चार कमरे और एक किचन है जिसमें से देखिए एक कमरा ये है। यहाँ पर देखिए एक फैन बॉक्स लगा हुआ है और यहाँ पर ये चार इसमें देखिए कंसील्ड लगे हुए हैं, एक दो तीन चार कंसील्ड, यानी कि जहाँ से अपन को देखिए यहाँ से क्या होता है कि जब अपन वायर यानी कि डोरी निकालते हैं तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होती है। और इस कंसील्ड की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें जो नीचे लाइट आती है रंग बिरंगी लाइट इस कंसील्ड में आसानी से फिट हो जाती है। इसके बाद देखिए यहाँ से छः पाइप निकले हो गए हैं, चार जो कि कंसील्ड को गए हैं और एक पाइप देखिए यहाँ से दूसरे कमरे के लिए यहाँ से गया है और यहाँ से देखिए एक पाइप यहाँ पर आया है और यहाँ पर एक बेंड लगा हुआ है, इससे लाइट नीचे की ओर जाएगी और नीचे जो बोर्ड लगेगा उसमें इसका डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ से एक कंसील्ड लगा हुआ है, इस कंसील्ड से यहाँ पर दूसरे कमरे में यहाँ पर कनेक्शन गया हुआ है और यहाँ से उस कंसील्ड से इस कंसील्ड तक लाइट आसानी से आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर फैन बॉक्स में आ जाएगी और यहाँ से फैन बॉक्स में जाने के बाद देखिए यहाँ पर एक कंसील्ड लगा हुआ है और यहाँ पर देखिए इसमें डबल सिस्टम किया गया है बोर्ड लगाने के लिए, एक तो यहाँ पर बेंड लगाकर मोड़ दिया गया है और एक दूसरा यहाँ पर बेंड लगाकर मोड़ दिया गया है। इसके बाद देखिए जैसा कि हम आप लोगों के लिए बता चुके हैं कि इस कमरे में लाइट कहाँ से आई है, इस कमरे से, और इस कमरे में से देखिए यहाँ से डायरेक्ट गई है यहाँ पर किचन की ओर। तो देखिए यहाँ से किचन में लाइट गई हुई है, यहाँ पर बोर्ड आ जाएगा किचन का और इसके बाद देखिए वहाँ पर बाहर से लाइट यानी कि बाहर से भी कनेक्शन आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर डबल सिस्टम है, यहाँ से एक कंसील्ड गया हुआ है, यहाँ पर देखिए छत्ती है, यहाँ पर एक कंसील्ड लगा हुआ है, उस कंसील्ड से इस कंसील्ड में लाइट आ जाएगी, इसके बाद यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ से देखिए एक बैंड यहाँ पर लगा दिया गया है, यहाँ पर ये मेन दीवार है, यहाँ से लाइट आसानी से आ जाएगी इस कंसील्ड में, इसके बाद यहाँ से सप्लाई होगी कमरों में। सो देखिए ये वाली जो कंसील्ड है यहाँ से हम आप लोगों के लिए पहले बता चुके हैं कि कहाँ कहाँ तक लाइट सप्लाई होनी है। इसके बाद यहाँ से सप्लाई होगी, यहाँ से देखिए इस कमरे में आ जाएगी, यहाँ पर फैन बॉक्स लगा हुआ है, इसके बाद देखिए यहाँ से लाइट हो जाएगी इस वाले कमरे में। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो पूरे के पूरे चार कमरे और एक किचन में पूरी तरह से पाइप बिछा दिए गए हैं। सो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पूरे कमरे की लाइट फिटिंग एक ही बार में आप लोग देख सकते हो और बाकी हम आप लोगों के लिए विस्तार से वीडियो में समझा ही चुके हैं कि लाइट फिटिंग किस प्रकार से होनी है। सो गाइस यदि आप लोगों के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कह दें, दोस्तों में कह दें, शेयर, चैनल को कह दें सब्सक्राइब इसी प्रकार के नए नए वीडियो देखने के लिए। गाइस यदि आप लोग हमारे द्वारा और कोई नई जानकारी चाहते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आखिरकार आप लोग क्या जानकारी चाहते हैं। तो गाइस यदि आप लोगों के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब इसी प्रकार के नए नए वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।